हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम अपने ईवीएस के क्लास में देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 के क्वेश्चंस। ओके, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने हमने अपने पहले वाले 2 क्लासेस में इसके क्वेश्चन आंसर्स फिल किए थे। ओके, तो आज की क्लास में हम देखते हैं क्रॉसवर्ड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आप ईवीएस की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 46 निकालो और अच्छे से ध्यान दो। देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद देयर नेम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास बहुत से पिक्चर्स दिए हैं, तो आपको उन पिक्चर्स को देखना है और ये जो क्रॉसवर्ड है उनको हमें कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आपके पास यहाँ पे बहुत से क्या है, पिक्चर्स है। तो पहला वाला पिक्चर क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, ये कैमल। क्या है ये? कैमल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊंट, पता है ना आपको। उसके बाद है सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे लिजार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिपकली। ओके, उसके बाद क्या है थर्ड, तो थर्ड में कौन सा पिक्चर है आपके पास, पैरट। क्या है ये? पैरट। उसके बाद नंबर 4, तो नंबर 4 में कौन सा पिक्चर है आपके पास, पिगन। क्या है ये? पिगन, यानी कि कबूतर। ओके, उसके बाद नंबर 5, अभी नंबर 5 में कौन सा पिक्चर है, बफेलो। क्या है ये? बफेलो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भैंस। ओके, उसके बाद लास्ट वाला यानी कि नंबर 6, तो नंबर 6 में कौन सा पिक्चर है यहाँ पे, क्या है ये, डंकी। क्या है? डंकी, डंकी यानी कि गधा। ओके, तो ये जो 6 पिक्चर्स हमने यहाँ पे देखे उनके ही नेम्स हमें कहाँ पे लिखना है, इन क्रॉसवर्ड में लिखना है। देखो जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट किया है, पहला वाला कैमल, CAMEL। ओके, एंड यल से कौन सा स्टार्ट होता है, फिर लिजार्ड। कौन से एनिमल का नेम स्टार्ट होता है यहाँ पे, लिजार्ड, लिजार्ड यानी कि चिपकली। ओके, उसके बाद क्या है, नंबर 5, तो 5 नंबर में कौन सा एनिमल है, देखो 5 नंबर में कौन सा एनिमल है, देखो क्या है ये, बफेलो। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बफेलो, देखो BUFFALO, बफेलो। ओके, उसके बाद नंबर 6, तो नंबर 6 में कौन सा एनिमल है, देखो कौन सा एनिमल है नंबर 6 में, डंकी। एंड डंकी की स्पेलिंग क्या है, DONKEY, डंकी। उसके बाद क्या है नंबर 3, तो 3 में कौन सा एनिमल है, देखो क्या है, पैरट। क्या है ये? पैरट, PARROT, पैरट यानी कि तोता। उसके बाद नंबर 4 में कौन सा एनिमल है, पिगन। क्या है ये? पिगन, तो पिगन की स्पेलिंग क्या है, PIGEON, पिगन। तो ऐसे आपको ये जो क्रॉसवर्ड है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अपने पास एक एक्टिविटी भी है यहाँ पे। कौन सी एक्टिविटी है, देखो पढ़ो अच्छे से, कलर द गिवन पिक्चर। तो ये पहले हमें पिक्चर को पहचानना है कि ये कौन सा पिक्चर है, कौन सा पिक्चर है, ये एक हाउस का पिक्चर है। किसका? हाउस का। तो ये जो हाउस का पिक्चर है उसको हमें अच्छे से कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? तो ये जो एक्टिविटी है एंड ये जो क्रॉसवर्ड है, दोनों आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और मुझे इनकी एक पिक निकाल के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही अपनी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 है, जो चैप्टर 6 to 10 पे है, वो यहाँ पे फिनिश होती है। हम